तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल चाहता है आपसे शेयर करूं, बातें करूं। यू आर लाइक फैमिली, आप लोग सब लोग मेरी फैमिली की तरह से हैं। और मेरे जितने भी लाइफ में नशेब फराज आए हैं, आप लोगों ने जिस तरह से मैसेजेस किए हैं और जिस तरह से सपोर्ट किया है, हमेशा दुआएं दी हैं, उसका तो खैर मैं शायद कोई शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकती, उसका कोई हक नहीं अदा कर सकती। और वो मेरे रब का करम है, क्योंकि इंसान कुछ नहीं होता, इंसान के अंदर कुछ नहीं होता, वो सारा कमाल, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो रब की तरफ से होती हैं। और वही रब होता है जो दिलों में मोहब्बत डालता है। हम जब तन्हा होते हैं और अपने रब को उस तन्हाई में पुकारते हैं, और वो जो सरगोशियाँ हम अपने रब से करते हैं, बस तन्हाई में कोई नहीं होता, वो रब होता है और वो उन सरगोशियों को सुनता है जो हम ज़बान से अदा करते हैं वो भी, और जो हम ज़बान से नहीं कह पाते दिल की वो बात भी अल्लाह पाक सुनता है। तो और वो ताल्लुक़, वो कनेक्शन जो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से बनते हैं, वो हमेशा मेरे ख़्याल में मौत तक साथ देते हैं और मौत तक चलते हैं। वो रिश्ते, वो ताल्लुक़ जो किसी दुनियावी मफाद की वजह से जुड़ते हैं, या उनमें कहीं अना आ जाए, ईगो आ जाए, या ज़ाती मफाद आ जाए, या मैं आ जाए कहीं, तो उनका मेरे ख़्याल में वो उतने ज़्यादा परमानेंट नहीं होते, उतने ज़्यादा लॉन्ग टर्म उस पर वो ज़िंदा नहीं रह पाते। तो इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे जो जो भी रिश्ते कायम हो, दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, कोई भी चीज़ हो, वो अल्लाह, उसकी बुनियाद अगर अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, तो ये ताल्लुक़, ये रिश्ता जुड़ा रहेगा, और यही दीनी ताल्लुक़ कहलाता है। तो मेरा आप लोगों के साथ ताल्लुक़ कुछ इसी तरह का है, क्योंकि मुझे तो इतने सारे लोग जानते नहीं थे। मैं इतना ज़्यादा पहले ऑन स्क्रीन नहीं आई, मैं बिल्कुल ही, मैंने स्क्रीन छोड़ दिया था, और कुछ हालात की वजह से मुझे स्क्रीन पर वापस आना पड़ा। तो आप लोगों ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया, आप लोगों ने जिस तरह से मुझे दुआएं दी, वो जैसे कहते हैं ना, माँ की दिल से दुआ निकलती है, माँ जिस तरह दुआ देती है, आप लोगों की दुआएं मुझे इस तरह से लगती थी, मुझे ऐसे फील होती थी। मैं एक एक दुआ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी और आज भी कहती हूँ, क्योंकि बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको इतनी प्योर प्योर दुआएं मिलती हैं, और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ, मैं भी, मेरे बच्चे भी, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के मैसेजेस पढ़ लूँ, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सॉरी, इतने सारे मैसेजेस आए, मैं फर्दन फर्दन नहीं नाम ले सकती। आप सबको वेलकम है, थैंक यू।